स्टार्ट। योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। पूर्ण विराम, यह हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया था। पूर्ण विराम, इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। पूर्ण विराम, बैठक की योजना जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। पूर्ण विराम, उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। पूर्ण विराम, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। पूर्ण विराम, मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया है कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पूर्ण विराम, इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। पूर्ण विराम, संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। पूर्ण विराम, दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित, दूर संचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र से निजी पूंजी निवेशकों द्वारा बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। पूर्ण विराम, रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि का विकास आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई हैं। पूर्ण विराम, मुख्यमंत्री ने कहा जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। पूर्ण विराम, इस दृष्टि से यह सब योजनाएं
बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीकरण किया जाएगा। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। पूर्ण विराम। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। पूर्ण विराम। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के साथ फसल वर्ष में घटा हुआ है। पूर्ण विराम। जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। पूर्ण विराम। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और अनाज का होता है। इसका उत्पादन घट रहा है। पूर्ण विराम। यही कहानी धान की रही है। पूर्ण विराम। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश की वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। पूर्ण विराम। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। पूर्ण विराम। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। पूर्ण विराम। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। पूर्ण विराम। कृषि क्षेत्र में की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है, यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करेंगे। इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। पूर्ण विराम। चार चीज़ों
पर तत्काल ध्यान देना होगा। पूर्ण विराम। एक, कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। पूर्ण विराम। दो, फसल बीमा आम किसान तक पहुँचे, इसका इंतजाम किया जाए। पूर्ण विराम। तीन, संस्थागत ऋण किसानों के दरवाजे तक पहुँचे। और चार, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। सबको मिलकर कोशिश यह करनी होगी कि कृषि की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो। पूर्ण विराम। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है। पूर्ण विराम। हमेशा कोशिश जोखिम कम करनी होगी ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ सके। स्टॉप। धन्यवाद। आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, इसको टाइप करके मिलाया ज़रूर करें। जय हिंद।